हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी बातें। आई नो कि सुशांत सिंह राजपूत पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं, बट क्या मतलब? आप उनके सीरियल्स ओपन करा रहे हो, उससे उनको खुशी नहीं मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उनको शांति एक वजह से मिलेगी, सिर्फ एक चीज़ से मिलेगी, जिसकी वजह से उनकी जान गई है। क्यों जान ली उन्होंने, उन्होंने खुद जान ली या फिर किसी और की वजह से, बहुत सारी इसमें किस्से कहे जा रहे हैं। बट आज मैं आपसे कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी और आप मुझे बताना कि क्या वो पॉइंट सही है गलत है। सबसे पहले, सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही छोटे से जगह से थे, पटना से बिलोंग करते थे। उनके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो फिल्म से जुड़ा हो, जो सीरियल से जुड़ा हो। वो अकेले अपने बल पे आए, उन्होंने सीरियल्स में काम करे जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, देन डायरेक्ट वो फिल्म में आए। फिल्म में भी उनका कोई गॉडफादर नहीं था, फिर भी उन्होंने अकेले अपने बल पे उन्होंने अपना नाम कमाया। इतने सारे लोगों के बीच उन्होंने अपना एक मुकाम पाया इतने कम समय में, और अच्छी एक्टिंग करी, अच्छे फिल्म्स बनाए, लेकिन उन्हें एक भी अवार्ड नहीं मिला और ना ही कभी न्यूज़ में उनके बारे में आया। आज जब वो नहीं है तब उनके बारे में हर कोई बातें कर रहा है, वो बहुत अच्छे थे, वो ये करते थे, वो करते थे, पर जब तक वो ज़िंदा थे तब तक उनको कोई नहीं पूछता था। आज मैं उनके बारे में बातें नहीं करूँगी आपसे, कुछ ऐसे पॉइंट बताऊँगी। बहुत कुछ उनके सपने थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, हर एक फील्ड में वो बहुत अच्छे थे। डांस अच्छा करते थे, एक्टिंग अच्छी करते थे, गाने गाने का भी उनको बहुत, अभी उन्होंने सोचा था कि हम किसी फिल्म में गाना गाने का उन्होंने सोचा था कि मैं भी ट्राई करूँगा, वो सपना रह गया। उन्होंने फिल्म बनाने की सोची थी, वो सपना रह गया। उन्हें सितारों के साथ रहना था, सपना रह गया। बहुत सारे सपने थे उनके, पर सब सपने सपने ही रह गए, पूरे नहीं हुए। कुछ लोगों ने, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से उनके सिर्फ सपने सपने ही रह गए। वो सिर्फ सपने नहीं देखते थे, उस सपनों को यकीन में बदलने का उनमें साहस था, दम था। लेकिन कुछ लोगों को उनके सपने बिल्कुल पसंद नहीं थे, तोड़ दिए। डिप्रेशन के शिकार थे वो, दवाइयाँ लेते थे, कुछ दिनों से दवाइयाँ नहीं ले रहे थे, काश मैं उनके साथ होता, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। पर सब गलत है, सब झूठ है। उन बातों को छिपाने के लिए, क्योंकि उसी वर्ग के लोग, फिल्म के ही लोगों की वजह से उनकी जान गई। कैसे बोले, हमें दिखाना भी तो है कि उन्होंने खुद जान लिया है, पर मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने खुद जान नहीं ली। आत्महत्या करना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा फैसला होता है वो। बहुत बड़ी कोई ऐसी बात हुई है आपके लाइफ में तो शायद में भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि उनके लाइफ में कुछ इतनी बड़ी बातें हुई थी कि उनको अपनी जान लेनी चाहिए, आत्महत्या कर लेते वो। जब कोई इंसान मन बना लेता है कि मुझे विरक्ति हो गई है, मुझे अपनी जान ले लेनी है, वो इंसान कभी नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता। सुशांत सिंह राजपूत नॉर्मल बिहेव कर रहे थे हर किसी के साथ में। मॉर्निंग में वो उठते हैं, उनका जो भी रूटीन होता है उन्होंने किया, वो अपने फ्रेंड से भी बातें करते हैं और नॉर्मल, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है कि मैं अपनी जान ले लूँगा या फिर डिप्रेशन में होने की वजह से लोग कभी भी किसी से भी ढंग से बातें नहीं करते। उन्होंने अपने फ्रेंड से भी बातें करी, सबसे बातें करी, बहन को कॉल भी करा, बहन ने रिसीव नहीं करा, देन उन्होंने जूस भी पिया। उस जूस को पीने के बाद ही उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई। मैं भी शायद उस जूस में कुछ हो ऐसा जिससे इंसान अपने आप को भूल जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, शायद, मैं क्लियर नहीं कह सकती, पर शायद ऐसा हो सकता है। देन उसके बाद ही उन्होंने जब अपनी बहन को कॉल किया तब उनकी बहन ने रिसीव नहीं करा, मैं भी शायद बिजी होंगी, चलो ठीक है, कोई नहीं। जैसे ही उनकी डेथ होती है तुरंत उनकी बहन आ जाती है, कुछ तो मिस्ट्री है। देन चलो ठीक है, मैं भी शायद बिजी होंगी, उस वक्त आपने फ़ोन नहीं रिसीव करा, शायद उस वक्त फ़ोन रिसीव कर लिया होगा, पता चल गया होगा। आप आती हैं, आप देखती हैं कि आपका भाई पंखे से लटका हुआ है,
आपको बिलीव हो जाता है कि आपके भाई ने ऐसा किया होगा? क्या वो कर सकता है? आपने सोचा ये बात? अगर अपने भाई से प्यार करती बारे में आप सोचती, आप देखती कि मेरा भाई कैसे मरा है, क्या सच में उसने आत्महत्या करी है? आत्महत्या करने के लिए, पंखे से लटकने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, स्टूल या किसी टेबल की ज़रूरत होती है। लेकिन उनके रूम में बेड पे कोई भी स्टूल नहीं मिला, कोई भी टेबल नहीं मिला। मैं भी शायद उस वक्त उन लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं सोची होंगी, पर शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो अब ये सारी चीज़ें सोचें। सो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, बस इतना चाहूँगी कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, कि उनकी फैमिली तक जाना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए हमें जो दिखाया गया है वो गलत है, और हमें उसके अच्छे तरीके से छानबीन करनी चाहिए, हमें उस तह तक जानी चाहिए जिसकी वजह से हमारे बच्चे की, हमारे भाई की मौत हुई है। अब जाते हैं अपने पेरेंट्स की बातों पर। पेरेंट्स भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। अगर आपका बच्चा किसी वजह से वो फेल हो गया है, वो चाहे पढ़ाई में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, आप उसे टोंड करते हो, आप उसे बोलते हो, लोगों के सामने नीचा दिखाते हो, मैं यही कहूँगी, गुजारिश करूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। अगर आप ही अपने बच्चे के साथ में ऐसा करेंगे तो बच्चे मजबूरी में आके ये ऐसे कदम उठा लेते हैं। ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के बच्चे के लिए, खुद के भाई के लिए आप करोगे, क्योंकि आपका भी बच्चा ऐसे ही किसी जगह पर जाता है और उसे टोंड किया जाता है, उन्हें कॉर्नर किया जाता है। अगर वो सही रास्ते पे चले तो उसे टेढ़ा घुमाया जाता है। मुझे आप सबसे यही गुजारिश है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे कहनी थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।